गाइस अपाची की त्रिविक्रम गेमिंग पे एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रैंक कैसे पुश करते हैं और हर मैच को बुरा कैसे किया जाए। अगर ये मैच बुरा नहीं हुआ तो आप आकर मुझे मत बताना कि बुरा नहीं हुआ, पर मैं टॉप ज़रूर आऊंगा, देख लेना। तो इस बताने वाले हैं कि रैंक कैसे पुश करते हैं। पहले आपको चूज़ करना है प्लेस, करेक्ट प्लेस चूज़ करना है। जैसे कि मैं भी चूज़ कर रहा हूँ ब्राज़ीला, इसमें आपको दिख रहे होंगे ब्राज़ीला फील्ड, नहीं तो आपको जाना है वो लंबर मिल। इन तीनों में से आप कहीं भी जाओ चलता है, पर बाकी के जगह थोड़े मतलब मुझे नहीं लगता कि वो जगह ठीक होगा। तो आपको गन्स लूट करना है, आपको कौन सा गन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है आपको वहीं गन लेना है। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ये गन लो वो गन लो, इससे बहुत अच्छा शॉट होता है। तो आपको जो अच्छा लगता है आपको वो लेना चाहिए। अगर आप दूसरा लेंगे तो मतलब आपको जो भी परफेक्ट आता हो वो गन आप ले सकते हैं, उसी गन आप परफेक्ट चलाना है, एक ही गन परफेक्ट चलाना है। अगर आप स्नाइपिंग में परफेक्ट हो अजू भाई की तरह तो आपको स्नाइपर गन लेना है। अगर आप एसएमजी गन ज़्यादा चलाते हो तो आपको वो लेना है। मतलब जो जो भी परफेक्ट चला लेते हो वो गन आपको लेना है। और फर्स्ट आप चूज करना है कैंपिंग। अगर आप कैंपिंग करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप कैंपिंग नहीं करते हो तो आप मार सकते हो। तो अभी मैं आपको कैंपिंग करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इधर मैं इस घर पे कैंपिंग करूँगा। तो गाइस ये क्या हुआ यार, तो गाइस मैं इधर फंस चुका हूँ, थोड़ा रुकिए। तो मुझे ध्यान से जाना होगा नहीं तो लैंडन फट जाएगा। तो अभी कुछ हाइडिंग प्लेसेस पे बताऊंगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे आपको। काले घर में आकर ऐसे ग्लू वॉल लगा देना है और आपको इस तरफ आके हाँ तो गाइस एक तरफ ग्लू वॉल लगा के दूसरी तरफ से आपको आना है इधर और इधर खड़े होके आपको पैन गिन कुछ मारते मारते एंजल चले जाना है। अगर आप कैंपिंग करना पसंद करते हैं तो आपको इधर ही बैठना है, नहीं तो आप जाके मार वार भी सकते हो। तो अगर आप मारना चाहते हो तो आप मार भी सकते हो। तो मैं हाइडिंग प्लेस भी बता चुका हूँ। तो आप जब तक जोन आपके पास नहीं आएगा आपको, तो गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ इधर फिर से। तो आपको कैंप करना अच्छा लगता है तो आप कैंप कर सकते हैं, नहीं तो आपको मारना है जाके तो आप मार भी सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो मैं इधर कैंप करूँगा, कैंप करने का थोड़ा बेटर आइडिया होगा क्योंकि कैंप करने से आपका रैंक बढ़ जाएगा। जब तक आप के पास जोन नहीं आता तब तक आपको यहीं बैठना है। तो तब तक जोन आएगा तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं 17 बंदे मतलब 17 बंदे अलाइव है। अगर आप इधर से किसी को मारना चाहेंगे तो आप उस किसी को मार नहीं सकते हो, पर आप कुछ ग्लोवाल कुछ डाल के मतलब डीजल का एबिलिटी यूज़ करके आप बंदे को हैरान कर सकते हो, पर इधर से आप किसी को मार नहीं सकते हो। तो अभी 17 मतलब जोन आने दो, फिर से वीडियो चालू कर दूंगा। हाँ और एक बात, अगर आपको किसी को मार रहे हैं तो आप थोड़ी बार थोड़ा बार आकर
आप मार सकते हो, बहुत ज़्यादा बार नहीं आना, क्योंकि नहीं तो कहीं गलत जगह पे, मतलब गलत जगह पे आपको लग गया है तो आप मर सकते हैं और बुया होना कैंसिल हो सकता है। तो आपको थोड़ी बार आना है, ज़्यादा बार नहीं आना है, और मार कर वापस से अंदर घुस जाना है, और आपको कोई नहीं देख सकता इधर से। तो जोन आने दो, स्टार्ट कर दूंगा वीडियो। तो गाइस आप देख सकते हैं जोन यहीं पर रुका है। तो अभी जब जोन श्रिंक होना चालू हो जाएगा तब हम जाएंगे इधर से बाहर। आपको भी तभी जाना है, एडवांस नहीं जाना है, जब जोन श्रिंक होना चालू हो जाएगा तो तभी आपको जाना है। तो गाइस जोन श्रिंक होना चालू हो गया, तो अभी हम उतर गए हैं और जा रहे हैं जोन के पास, मतलब अगला जोन जहाँ होगा वहाँ जा रहे हैं। तो रास्ते में जो भी मिलता है आपको लूट लेना है। जोन तो आता रहेगा, आपको जो भी मिलता है लूट लेना है, क्योंकि आगे जाकर आपको मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं। तो अभी इस घर पे जोन बना है, इस घर पे ही बना है जोन। अगर मैं इधर खड़ा रहूँगा तो मेरा सेफ हो जाएगा, तो इधर तो मुझे कोई देख भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता। इस घर के अंदर जोन है, कोई नहीं बैठेगा करके समझ कर जो भी है वो चला जाएगा। तो आपको ऐसे ही खेलते रहना है, मतलब अभी अभी ड्रैगन मिला है, एक स्नाइपर गन तो मेरे पास है। तो गाइस कुछ ऐसा करना है आपको, मैं गाड़ी पे बैठ गया हूँ जिसका गाड़ी का मालिक उधर है, मतलब उसने गाड़ी लेकर आया था इधर। मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ तो वो मुझे कुछ मार नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ बैठ लेना है आपको, और अभी मैं जोन के अंदर ही हूँ। वो आएगा और गाड़ी चलाना शुरू करेगा, पर उसको पता नहीं चलेगा कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ। तो देखो गाइस कैसे देख रहा है वो मुझे, मतलब गाड़ी गाड़ी इधर ही है फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो अभी आएगा और गाड़ी में बैठ कर, नहीं गाइस गाड़ी में नहीं बैठा वो, ऐसे ही उसने चालू कर दिया, गाड़ी में तो नहीं बैठा। तो उसको जाने में नहीं देना है आपको। आपको हो सके तो आपको मारना अच्छा है करके लगता है तो आपको मार लेना है। अभी मैं नेक्स्ट जोन पे चला जाऊंगा, मुझे मारते नहीं बैठना है आपको, अपनी आप से ही फाइट नहीं लेना है। जब वही बंदा आकर फाइट लेगा आपसे, तब जाकर आपको फाइट लेना है, तब तक आपको फाइट नहीं लेना है। तो फिर से ऐसे ही कर लूँगा, मैं जोन के अंदर आकर बैठ लूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं बंदा इधर ही है, फिर भी मुझे नहीं देख पा रहे वो। तो कुछ ऐसे लगा कर आपको बैठ लेना है, अगर आप उस तरफ बैठेंगे हो तो बंदे को दिखाई नहीं दोगे। और अभी देख सकते हैं दो ही बंदे आए हुए हैं, मुझे लगता है कि ये मैच तो बुरा होगा, मतलब आपको देखना है बंदा किधर है पहले। अभी 7 सेकंड बचे तो हम नीचे उतर ही लेते हैं। तो जोन तो गाइस बुलेट ख़त्म हो गया था, तो बुलेट आ ही नहीं रहा था, तो ब्याह तो नहीं हुआ, पर टॉप 2 में आए हैं। आप देख लीजिए आप ही कि कितना रैंक बढ़ा मेरा। तो आप देख सकते हैं मैंने फाइट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, फिर भी मेरा 50 बढ़ा।
ऐसे करके आप अपना रैंक पुश कर सकते हैं। तुम ये बता लो कि थंबनेल देखकर मैंने हेरोरिक का रखा है, पर मैं जब अगला मतलब नेक्स्ट जब 3 वीडियो ख़त्म हो जाएंगे तब मैं हेरोरिक हेरोरिक तो नहीं डायमंड तो आ सकता हूँ। तो गाइस लेवल भी बढ़िया देख सकते हैं आप, अभी 20 लेवल आ गया है। तो इतना ही था वीडियो में, तो बाय गाइस।